बने हैं यार देख लो यार, मैं मुझे शर्म आ रही है पर इट वाज फन. यू गाइस विल नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब उर्फी को डू समथिंग लाइक दैट. साथ ही हर साल हम स्प्रिट्सविला में देखते थे कि ओरेकल हमेशा से हर किसी का गेम चेंज करता था. इस साल क्या कुछ गेम चेंजेस होंगे और इस बार ओरेकल ने क्या कुछ डिफरेंट देखा. इस बार उर्फी ने ओरेकल का ही गेम चेंज कर दिया. उर्फी ने बिग बॉस कितना पढ़ा था? बिल्कुल भी नहीं. आई एम फॉलोइंग स्प्रिट्सविला नाउ. दिस इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट स्प्रिट्सविला दैट्स आई मीन इट्स क्रेजी. इस बार इतना कुछ अलग है ना दैट यू गाइस कैन नॉट इमेजिन. आई मीन एंड कम ऑन आई एम देयर सो कैन यू इमेजिन मैंने क्या क्या किया है वहाँ पे. माय आउटफिट लाइक टास्क चल रहा है ना, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट माय आउटफिट. बीच में मैं हील पहन के यू नो ऐसे तो जा रही हूँ. आई एम लाइक आई ओनली परफॉर्म इफ माय आउटफिट मैचेस द टास्क. वेल फर्स्ट एपिसोड में तो हमने देखा एंड उसमें देखा कि सनी एंड सभी ने टास्क दिया था जहाँ पे रोजेस देने हैं. सो ऐसे आई वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट एपिसोड. आई विल बी एंट्रिंग नेक्स्ट वीक. यार अभी बता दें तो धमाके के लोग खुश की बन जाएंगे. देखो उर्फी सनी जी ने भी आपकी कुछ तारीफ की थी. शी इज सो क्यूट, शी इज सो स्वीट यार. मतलब शी वाज सो नाइस टू मी ऑन द शो. आई कैन नॉट इवन टेल यू. एंड शी इज जस्ट आई वाज लाइक व्हेन आई मेट हर आई वाज लाइक यू नो शी शो मी एटीट्यूड. ये होगी उर्फी अपनी जगह. बट शी वाज जस्ट लाइक उर्फी आई एम योर फैन, आई लव यू. आई एम लाइक सनी से दैट शी इज सो क्यूट, शी इज लाइक स्वीट हार्ट. Well, last but not the least, ये सवाल सभी जानना चाहते हैं अब तक के. मेरा बच्चा कब हो रहा है? उर्फी के इतने फैंस हैं हर कोई. लाइक उर्फी के सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. लेकिन जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ धमाके हो जाए और उर्फी बोले कि नो कमेंट, तो ये तो नहीं बनता है. प्लीज़ उर्फी अगर आप कुछ कहना चाहो इस पर. रिसेंटली जो हिंदुस्तान का लोग कह रहे हैं नहीं, इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग ऑन एवरी वन हू हैज अ प्रॉब्लम विद व्हाट आई पुट ऑन माय बॉडी फिर तो कुछ. आई एम श्योर आपके रिश्तेदार है जो आपको बोलते होंगे कि आप काम मत करो, जीन्स मत पहनो. आप सबको रिप्लाई देती हो? नहीं देती हो ना. आप अपना काम करती हो क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रही हो. आपके भी कुछ घर वाले होंगे जो आपको बोलती हो कि माइक लेकर चली जाती हो, क्यों ऐसे करती हो, जीन्स क्यों पहनती हो, व्हाई यू बीइंग अ गर्ल. जस्ट एक लड़की होना ही अपने आप में प्रॉब्लम है, स्पेशली व्हेन यू योर सेल्फ. एंड द डेफिनेशन ऑफ डिसेंसी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को जीन्स टॉप नहीं पसंद है, किसी को स्कर्ट टॉप नहीं पसंद है. हम हर किसी को प्लीज करने नहीं जा सकते. बट व्हाट अबाउट द व्यूअर्स दे आर थिंकिंग गुड अबाउट यू बट द पीपल आर सेइंग एंड इफ उर्फी डजंट सी दैट व्हाट दैट मींस. हां बिकॉज उर्फी हर बार जो कमेंट आते थे वो कुछ अलग होते थे बट इस बार जो हिंदुस्तानी भाव की तरफ से आया है वो बहुत ही अलग है. सो आप